गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी दिन के बज रहे हैं 7, बाबू जग के फुल मस्ती कर रहा है क्योंकि इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और अब बस ये सारा दिन घर में मस्ती करता है। अभी जग के बस ये फूल देख रहा है, इधर उधर घूम रहा है। और बस आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ सिंपल रेसिपी कढ़ी चावल का। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो वो बेसन जो रेडीमेड आता है दुकान से हम लोग खरीदते हैं, घर का नहीं बना रहता है। हाँ, कई लोग बनाते हैं वो दाल को फुला करके उसको पीस के उसका कढ़ी चावल बनाते हैं, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है मानते हैं हम, क्योंकि हम लोग वैसे ही पहले बनाते थे मैके में, पर यहाँ जब से आए ससुराल में तो बस इसी तरह से बनता है, तो बस इसी तरह मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बेसन मेरा डब्बे का ख़त्म हो चुका था, उसमें बस थोड़ा ही बाकी था, तो ये लाके रखे थे बेसन, बस डब्बे में अभी नहीं किए थे, तो अब डब्बे में इसको भर लेंगे। और उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ सिंपल कढ़ी। मेरे घर में कढ़ी चावल सभी को बहुत पसंद है, तो बेसन ज़्यादा खपत होता है तो ये लाके हमेशा रखते रहते हैं। और बस अब मैं यहाँ पे डब्बे में कर ले रही हूँ बेसन पूरा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब घोल बना रही हूँ बेसन का। और हाँ, अभी मैं बस उतना ही घोल बनाती हूँ जितना जितना कि हमको पकौड़ा बनाना है अभी, और उसके बाद मैं कढ़ी के लिए अलग से फिर घोल लूँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा वो बेकिंग पाउडर डालते हैं तो फिर वो जब उसका कढ़ी बनाते हैं तो उसमें अच्छा नहीं होता है, तो बस पकौड़ी बनाने में आप डाल सकते हो इसमें ये बेकिंग पाउडर, क्योंकि इससे सॉफ्ट होता है। और अब यहाँ पे मेरा कढ़ाई हो चुका है गरम, और मैं इसमें अब डाल रही हूँ सरसों तेल, घर का है सरसों तेल। बस अब ये ख़त्म हो जाएगा तेल तो मैं बस मार्केट से मंगाऊँगी अब, तो फ़िलहाल चल रहा था घर वाला तेल। और इधर देखिए मेरा चावल भी बन रहा है, तो बस तेल को बहुत अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे कढ़ाई को, और उसके बाद मैं इसमें पकौड़ी डालूँगी ताकि पकौड़ी अच्छे से फूल के सॉफ्ट बने। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी रेसिपी बनाने से पहले, खाना बनाने से पहले सारा चीज़ मैं वहाँ पे इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि हमको सहूलियत हो बनाने में। तो बस मैंने वही किया है, सारा जो भी मसाला वगैरह डालना है मैं यहाँ पे ले आई हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि क्योंकि जो सामान उसमें पड़ता है सब्ज़ी वगैरह में, तो वो अगर वहाँ पे नहीं हो तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पकौड़ी डाल दिया है, मैं इसमें बहुत तो छोटा छोटा सा पकौड़ी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब कढ़ी में जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है, और बड़ा बनाओ तो फिर उसमें तेल भी ज़्यादा डालना पड़ता है, फिर वो तेल ज़्यादा दिन तक रख के मैं नहीं खाती हूँ, और थोड़ा तेल रहता है तो फिर मैं निकाल के रख लेती हूँ तो एक दो दिन में ख़त्म हो जाता है फिर सब्ज़ी वगैरह बना के, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पकौड़ी निकाल लिया है एक बार, और मैं दूसरा इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अब मेरा पकौड़ी सारा छन चुका है, और मैं इसमें से तेल और बाहर निकाल रही हूँ जितना हमको ज़रूरत है, बस इसमें कढ़ी में तेल छौंका लगाने में बहुत ही कम देते हैं, कम में ही हो जाता है, और इसमें मसाला ज़्यादा कुछ पड़ता नहीं है, इस वजह से तेल भी इसमें कम ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस फ़ौरन में मैं तेज़पात, एक मिर्ची और जीरा और जमाइन और मंगरेला लिए हैं, वो दे करके उसको कड़का लिए हैं अच्छी तरीके से। और अब मैं यहाँ पे भून ले रही हूँ प्याज हल्का, जब ये सॉफ्ट लाल हो जाएगा फिर मैं फ़िलहाल इधर कर लेती हूँ इसका तैयार कर लेती हूँ कढ़ी के लिए। और कढ़ी के लिए ना हम यहाँ पे बेसन बहुत ही थोड़ा लेंगे, 2-3 चम्मच मात्र, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ये खाने में ठीक नहीं लगता है और अच्छे तरीके से पकता भी नहीं है। ये ना हम बहुत ज़्यादा पतला बनाते हैं, जितना पतला हो उतना अच्छा होता है, बस मात्र 2-3 चम्मच लेते हैं बेसन, और उसमें मैं डाल देती हूँ नमक, हल्दी और बस लहसुन। हाँ जी हाँ, मैं लहसुन को डायरेक्ट कच्चा डाल देती हूँ इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसको ना अगर लहसुन को आप कढ़ाई में पकाओगे प्याज के साथ तो उसका टेस्ट ना कुछ अलग आता है। और यहाँ कच्चा इसमें बेसन में घोल देने के बाद उसको पकाती हूँ तो इसका टेस्ट अलग आता है, तो ये वाला टेस्ट मेरे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पे अब हल्का सा सब्ज़ी मसाला डालूँगी, ज़्यादा नहीं,
बस ये सब दे करके इसको अच्छी तरीके से घोल लेंगे। तब तक इधर मेरा प्याज भून रहा है, जब प्याज भून जाएगा इधर इसमें मैं घोला हुआ बेसन डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसको बहुत अच्छे तरीके से घोल लेंगे ताकि इसमें नमक, हल्दी, मसाला और लहसुन वगैरह अच्छे से मिल जाए। इसमें अभी मैं शुरू में पहले कम पानी डालती हूँ, उसके बाद जितना ज़रूरत लगता है और डालती जाती हूँ इसमें। और हाँ, कढ़ाई में डालने के बाद इसको कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर छोड़ दोगे ना तो ये फट जाएगा, मतलब उसका ना अलग ही आ जाता है क्वालिटी। इसको चलाते ही रहना पड़ता है, डाल दो इसको बस चलाते रहो चलाते रहो, जितना चलाते रहिएगा उतना अच्छा है। और अब यहाँ पे देखिए हम इसमें कढ़ाई में डाल दिए हैं घोल को, और इसको बस अच्छे से चलाती रहूँगी, तब तक चलाऊँगी जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो पहले जब कढ़ाई में डालो घोल ना तो वो कम लगेगा, और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये फिर ज़्यादा लगने लगता है। फिर ये पक जाएगा तब फिर इसमें कढ़ाई में डाल देंगे हम इस पकौड़े को भी, ताकि ये भी अच्छी तरह पक जाए और इसमें ना वो कढ़ी अच्छे से चला जाए पकौड़े के अंदर और ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत लोग तो इसमें बेसन में ना, बेसन का जब कढ़ी बनाते हैं तो उसमें दही भी डालते हैं और वो वाला टेस्ट और भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में बच्चे को उतना पसंद नहीं है, उसके पापा भी उतना पसंद नहीं करते हैं दही वाला, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। और बहुत लोग टमाटर भी डालते हैं, आज तो मैं टमाटर यहाँ पे काट के रखी भी थी कि दूंगी, लेकिन हम नहीं दिए इस वजह से कि हो सके अब किसी को नहीं अच्छा लगे तो फिर बाद में बेकार हो जाता है ना। बोलते हैं क्या, तुम अपना रेसिपी पहले ये कर लो तैयार करके, तुम खा लो टेस्ट कर लो फिर खिलाना। भाई हम तो मतलब कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बनता है तो हमको ठीक ही लगता है बस। और यहाँ पे देखिए हमारा कढ़ी बन करके रेडी है, अब चावल भी मेरा हो गया है और ये खाना खाने के लिए आए हैं, तो मैं जल्दबाजी में बना रही थी, फिर जाएंगे स्कूल, लंच आवर में आए थे घर, तो अब इनके लिए खाना निकालूंगी मैं। और आप सबको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा, सिंपल कढ़ी चावल रेसिपी, लाइक कमेंट ज़रूर करें अच्छा लगा तो, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे आगे के वीडियो में आप लोग बने रहें। बाय।